बोर्ड एग्जाम। हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक डर, एक भय पैदा हो जाता है। इसी डर को दोस्तों मैं खत्म करने वाला हूँ कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अच्छा करें। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने कभी ये बात सोची है कि मैं जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो हम भूल क्यों जाते हैं? जनवरी फरवरी दोस्तों आता है जब, तो हमारे दिमाग में इतना मेंटल प्रेशर क्यों हो जाता है? हम इन चीजों को टैकल क्यों नहीं कर पाते? हम इन चीजों से पार क्यों नहीं पा पाते हैं? इसी बात की समस्या का हल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो स्वागत है आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज का मेरा विषय है कि बोर्ड एग्जाम में रिवीजन क्यों जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में रिवीजन क्यों जरूरी है। हाँ दोस्तों, मेरे सवाल को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका बताने वाला हूं तरीका कि बोर्ड एग्जाम में रिवीजन इतना जरूरी क्यों होता है। आपने कभी ये सोचा है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं और हमारे पास नॉलेज तो हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीजें आ रही है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपका दिसंबर क्रॉस होता है और जनवरी फरवरी जब आप एग्जाम के पूरे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आप अपना प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, तो आपको धीमे धीमे महसूस होता है कि आपकी तैयारी सही नहीं है, आपकी तैयारी पूर्ण रूप से सही नहीं है। यानी आपने जितने मार्क्स सोचे थे 90% 85% वो आप लाने में नाकाम रह रहे हैं, ऐसा आपको लगने लगता है, आपके मन में ऐसा डर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ। ऐसा मेरा भी अनुभव रहा है, जब हम लोगों ने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, 4-5 साल का अनुभव मैं देख रहा हूँ, हर साल बोर्ड के परीक्षार्थियों को मैं देख रहा हूँ। जब मैंने भी एग्जाम दिया तो मैं भी ऐसा महसूस किया कि एक समय होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारी सभी चीजें तैयार है, लेकिन जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें वो चीजें याद भी नहीं रहती। उसका रीजन दोस्तों यही होता है, हम सभी एक गलती करते हैं, चाहे वो मैं रहा हूँ, चाहे वो आप रहे हो, चाहे कोई टॉपर भी रहा हो, वो दोस्तों अगर ये कर रहा है तो एक गलती वो कर रहा है कि रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया उसने। टॉपर बच्चों में और मीडियोकर बच्चों में और डल बच्चों में अंतर यही होता है। देखिए दोस्तों, पढ़ते सब हैं, सभी वही किताबें पढ़ते हैं, सभी वही टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, सभी को वही टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी के पास लगभग लगभग नॉलेज आप देखोगे तो इक्वल रहता है, लेकिन उस नॉलेज को रिटेन करना, उस नॉलेज को रोकना, उस नॉलेज को बार बार रिवाइज करना, उसको अपनी कॉपी में लिख कर दिखाना, उसका एग्जीक्यूशन करना, ये दोस्तों आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है, किस तरह से आप अपना रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, कम पढ़े, सॉलिड पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े। इस बात को अगर आप जान लेंगे तो लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, पार्टिकुलर टाइम एट अ टाइम करिए, पार्टिकुलर वर्क आप एट अ टाइम करिए, एक बार में एक ही काम करने की कोशिश करिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को ऐसा पढ़िए कि आपने अगर 4 चैप्टर पढ़े हैं तो उस 4 चैप्टर में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उस चैप्टर में गलती न करें। ये ना कि आपने फिजिक्स से 16 के 16 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता ही ना पाओ। दोस्तों ज्यादातर डर ये क्लास 10th के बच्चों में होता है, क्लास 12th के बच्चों में भी होता है, लेकिन क्लास 10th के बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में सफल होने का बस एक तरीका है, अपने रिवीजन पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो खुद की एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा तो 3 दिन बाद 2 दिन बाद इसका रिवीजन कर लूंगा। अगर दोस्तों आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा आपके साथ होगा क्या। जैसे मान लीजिए आपने क्या कोशिश की कि चलिए मैं सब चैप्टर एक बार में पढ़ लेता हूं, जैसे आपने सोचा कि सर मैं रिवीजन के चक्कर में क्यों पढूं, मैं सभी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लेता हूं फिर रिवीजन करूंगा, तो बिल्कुल ये करने से आप बचें। सभी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद रिवीजन जब आप करोगे तो देखोगे बहुत सारी चीजें आपके पास छूट जाएंगी। ऐसा मत करो आप। अगर आपके पास 16 चैप्टर्स मान लीजिए हैं तो आप 2 चैप्टर के ग्रुप बना लो कि ये 2 चैप्टर मैंने पढ़े, अब इसको 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं इसको रिवाइज कर लूंगा, फिर मैं नए चैप्टर पर जाऊंगा, तो मैं नए चैप्टर को जब लूंगा तो मैं 2-2 मेरे 4 चैप्टर होगा। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है। आप मेरा यकीन मानो, आपके साथ आपको बोर्ड एग्जाम में डर ही लगेगा, आप हल्का सा भी आप नहीं डरोगे, हल्का सा भी आप पैनिक नहीं होगे, बहुत अच्छा आप कर ले जाओगे। जितना आपने सोचा नहीं उतना अच्छा आपका परिणाम आएगा, उससे अच्छा आपका एग्जाम जाएगा और आपको अपने रिजल्ट पर खुद प्राउड होगा कि ये मेरा रिजल्ट है, ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैं कर पाया, आपको अपना रिजल्ट देखकर खुद अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो समस्या थी मैंने आज उसका पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया है कि बोर्ड एग्जाम में रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में वो सफल नहीं होता जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में वो सफल होता है जो एक स्ट्रैटेजी बना करके, जो एक रणनीति बना करके उसका एग्जीक्यूशन कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है एग्जाम में, अपनी कॉपी में उसको उतार देता है, वही बोर्ड एग्जाम में सफल होता है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा से अच्छा करना है तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो रिवीजन इज मैंडेटरी। रिवीजन दोस्तों अति आवश्यक है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका परीक्षा, आपकी जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जो एग्जाम में आप जा रहे हो, बिल्कुल, हाँ दोस्तों, आप कोई भी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखिए जो आपके यूपीएससी के सिविल सर्वेंट के जो टॉपर्स होते हैं,
जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी आपके अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग पहुंचते हैं, वो एक ही बात बार बार बोलते हैं कि आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, आपको ज्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है। अगर मुझे मान लीजिए दोस्तों 5 चैप्टर में 3 चैप्टर ही आते हैं, लेकिन इस तरह से आते हैं कि वो किसी को ना आते हो, तो बिल्कुल मैं सबसे आगे हूँ, ये आप मान के चलिए। 2 चैप्टर मैटर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके 3 चैप्टर तैयार है तो वो आपके ज्यादा मैटर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बिल्कुल दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो एपीएन क्लासेस आपके साथ है, आपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट देने की कोशिश करिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, रिवीजन को अपने पास रखिए, रिवीजन करने का तरीका सीख लीजिए। बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक पर वीडियोस दे दी हुई हैं, आप जाकर के चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में।